आप इंद्रदेव की सहायता करने चाहिए, क्योंकि माता को पता चला कि उनके कारण आप कर्तव्य से चुके तो वो बहुत दुखी होंगी भैया। ठीक है, मैं जाता हूँ, किंतु उस दुष्ट को ढूंढकर कड़ा दंड देना गणेश। रुको कार्तिके, अपने पिता का ये त्रिशूल अपने साथ ले जाओ कार्तिके, महिषासुर की शक्तियों का सामना करने में यह तुम्हारी सहायता करेगा। सोच क्या रहे हैं भैया, ले लीजिए ये त्रिशूल। ये मत समझिए कि पिताश्री आपको कम आंक रहे हैं, बल्कि वो तो आपका विजय सुनिश्चित कर रहे हैं। पिता की सहायता ना सही, आराध्य का आशीर्वाद समझकर साथ ले लीजिए भैया। लो पुत्र, महिषासुर, मैं शिव शक्ति पुत्र कार्तिके तुम्हारे पापों पर विराम लगाने आ रहा हूं। चलो गणेश, तुम्हारी माता को खोजते हैं। जी पिताश्री। मेरे महादेव आएंगे, मुझे विश्वास है। इस भ्रम में मत रहना, एक बार जो यहाँ आ गया, कुक्कुट और उसके भाइयों के बंधन में बंध गया, फिर वो यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। प्रेम से कहती हूँ मान जाओ, ये मेरी विनती नहीं तुम्हारी नियति है, ये इसे स्वीकार करो, क्योंकि अब तुम्हें उन तीनों भाइयों से विवाह करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस एक शब्द और नहीं, तुम इन दुष्टों को जानती हो, मेरे महादेव को नहीं। वो केवल देवों के देव नहीं, शक्ति का आधार है। संसार के सबसे बड़े प्रेमी है, सर्वश्रेष्ठ पति है, और यदि उनकी शक्ति पर आंच भी आई तो उनका तांडव इस संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देगा, भस्म कर देगा, भस्म कर देगा। जीव से जीवन छीन लेगा, बंदी बना लो इन सबको। सावधान महिषासुर,
इस बंधन का काट केवल एक ही कर सकता है। जिनके आराध्य देव से लेकर दानव, नारायण से लेकर महिषासुर सब करते हैं। जो देव के देव और संसार के महादेव कहलाते हैं। पत्नी की खोज में बौराए महादेव आपकी सुध नहीं लेंगे। तो अब यहां रहकर इस बंधन का आनंद लीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। लेके चलो इन्हें। अद्भुत बल और बुद्धि का सुंदर संगम है महिषासुर। तीनों त्रिदेवों को एक साथ अपने पास में बांध लिया। महादेव को पत्नी भी योग की पीड़ा के पास में। नारायण और ब्रह्मदेव को अपनी शक्ति के पास में। गुरुदेव महिषासुर असुर कुल का पहला ऐसा राजा है जिसने एक भी महायुद्ध लड़े बिना देवताओं पर विजय पाली। असुर राज के भव्य स्वागत की तैयारी की जाए। यदि इस बंधन का काट महादेव के पास है, तो चलिए नारायण महादेव का आवाहन करते पुकारते हैं उन्हें। नहीं देवी, यही तो चाहता है महिषासुर कि हमारे बंधन का पाश उन्हें भी बांध दे। महादेव को पार्वती को ढूंढने के लक्ष्य से भटका दे। अभी हमारे मुक्ति से अधिक आवश्यक देवी पार्वती की सुरक्षा है। इसलिए हमें इस बंधन में रहना होगा देवी। लगाने के लिए ये सुझाव उत्तम रहेगा। पिताश्री, पिताश्री, आप कहते हैं ना अपनी एक भाषा होती है। नृत्य के ऊर्जा और मृदंग की धुन हर बंधन को तोड़ती है। तुम कहना क्या चाहते हो गणेश? माया के बंधन ने आपका मार्ग बंद किया है पिताश्री। आपकी दिव्य दृष्टि को रोका है, आपकी ध्वनि पर अंकुश लगाया है, किंतु जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ आपके मृदंग की थाप पहुँचाएगी पिताश्री, आपके तांडव की ऊर्जा पहुँचाएगी, जो महादेव माता सती के लिए कैलाश के सित में सूर्य से ऊर्जा उष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। वो क्या माता पार्वती के लिए उसे मृदंग की थाप और तांडव की तान से मार्ग भी तो बना सकते हैं ना पिताश्री। अवश्य पुत्र।